हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरा नाम तस्कीर है और इस वीडियो के अंदर लेटेस्ट वीडियो लेकर आया हूँ मैं। लाहौर हॉकी ग्राउंड जलसे से इमरान खान की कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच देखेंगे इस वीडियो के अंदर। बिग अनाउंसमेंट लिखा हुआ है, नेक्स्ट प्लान अनाउंस्ड, ऐसे करके एक टाइटल वीडियो है। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा एंड तक हमारे साथ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। जय कमर जावेद बाजवा साहब, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया, जजों से जोर जबरदस्ती से फैसले आपने लिखवाए। जनरल बाजवा साहब, आपको 2018 इलेक्शन में अवाम के मैंडेट की चोरी का हिसाब देना है। हाँ, नवाज शरीफ ने ये जरूर किया कि उसने किरदारों और इदारों के दरमियान एक वाज़े लकीर खींच दी है। एक या दो अफराद इदारा नहीं हुआ करते, एक या दो अफराद इदारों की बदनामी का बायस बना करते हैं। तुम हमें सियासत बतलाते हो, अपने हदूद में रहो, इसराइल की नौकरी न किया करो, इसराइल के वजीफों पर पलने वाले जनरलों अपने हदूद में रहो। बड़े बड़े रैंकों वालों से भी अपने आप को मोहतरम समझता हूँ, तो सीधे हो जाओ, और अगर बिगड़ो गया तो फिर अगर हम बिगड़ गए तो अफगानिस्तान में अमरीका का क्या हासिल हुआ, खुदा की कसम यहाँ तुम्हारा हो जाएगा। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं, मुझे याद है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे। दफा के लिए ये पूरी इम्प्यूनिटी के साथ अपना सीना चौड़ा करके डिफेंस बजट को क्लेम कर रहे हैं और मांग रहे हैं कौम से। काम की हड्डियों से गोश्त तक जो है इन्होंने निचोड़ लिया है और उतार लिया है। ये सुन लिया, काम की हड्डियों से ये आज हमें गद्दार कह रहे हैं। ये चूहे हमें गद्दार कह रहे हैं। चूहे भाई, क्या बात। मैं सिर्फ एक आपको बताना चाहता हूं कि मैंने अपनी फौज के मतलब क्या कहा। ये देख, जो फौज का इदारा है कभी इसके खिलाफ बात ना करें, क्योंकि फौज एक ऐसी चीज है जो अगर हमारी फौज ना होती तो ये मुल्क में नहीं रहना था। इमरान खान से ज्यादा इस मुल्क को जरूरत पाकिस्तानी फौज की, और हमें हमेशा इस इदारे को मजबूत, इसकी मजबूती के लिए हमें बात करनी चाहिए। और आज कैंपेन चलाई जा रही है कि पाकिस्तान की फौज के पाकिस्तानी, हम तहरीक इंसाफ फौज के खिलाफ है। हाँ, ऐसा बोल जो लोग इस मुल्क में हकीकी आजादी चाहते हैं वो हमेशा चाहेंगे कि हमारी फौज मजबूत हो, और कभी सब चाहते हैं। और कभी मैं जब तनकीद करता हूं तो मेरी तनकीद तामीरी होती है, जिस तरह एक बाप अपने बच्चों के तनकीद करता है उनकी इसलाह करने के लिए। मेरी इस तरह की तनकीद नहीं होती इन चोरों की तरह जिनके एजेंडा कुछ पैसे बाहर पड़े, बाहर के लोगों की गुलामी करने वाले, पैसे की बुत की पूजा करने वाले, जिनके बच्चे बाहर, पैसे बाहर, ईदें बाहर, शॉपिंग बाहर, इलाज बाहर, और वो मुझे कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान गद्दार है। मैं आज अपने सारी कौम के सामने कहना चाहता हूं कि ये जो साजिश की जा रही है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग जलसा रहा है, कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात को फौज के सामने खड़ा करने की, ये मुल्क के खिलाफ साजिश है, ये एक बैरूनी साजिश का हिस्सा है इस मुल्क को कमजोर करने का। ये जो चोरों को ऊपर बिठाया था बैरूनी साजिश के तहत, ये मुल्क को कमजोर करने के लिए चोरों को ऊपर इसलिए लेके आए थे कि इनसे जो भी कह करवा सकते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, मैं आज खास तौर पे इस प्रोपेगेंडा जो चल रहा है सोशल मीडिया के लोगों को पकड़ पकड़ के लेके जा रहे हैं। एक बच्चे के बाप को पकड़ा हुआ है, उसे कह रहे हैं कि स्टेटमेंट दो कि इमरान खान ने हमें कहा था फौज के खिलाफ बयान देना, ये हो रहा है आज। तो मैं आज आपके सामने ऐलान करना चाहता हूं कि मेरा आज अगला लाए अमल क्या है। सबसे पहले मैंने फैसला किया है अब कि अपनी आवाम में निकलने का अनाउंसमेंट है,
मैं अपने लोगों के पास जाऊंगा। अच्छा, ये सब कुछ इनका प्लान है। मैं पूरा टूर प्लान बनाया हुआ, ह्यूज क्राउड, अगले हफ्ते पिंडी टूर प्लान, पिंडी जलसा करने जा रहा हूं। ओके। उससे अगले, बल्कि उसके चंद दिनों के बाद कराची, कराची इंतजार करो मेरी, मैं आ रहा हूं। मैंने बड़ी देर से पिंडी कराची, मुझे मौका नहीं मिल रहा कि ये जरदारी का भी सही माने में मुकाबला करने का, मैं आ रहा हूं इसके पास भी। ये पाकिस्तान का बड़ा लुटेरा जिसने जो जुल्म किया है सिंध की आवाम से, जो गुलाम बनाया हुआ है इसने सिंध के लोगों से, उन बेचारों के ऊपर FIRs, गुंडों से मार पड़वाना, जेलों में डालना, उनका पैसा खा जाना, जहालत में रखना, और सिर्फ इसलिए कि सिंध का पैसा लूट के ये बाहर ले जाए, तो इंशाल्लाह सिंध में आपके पास भी आ रहा हूं। सखर का भी मेरा प्लान है, हैदराबाद आ रहा हूं, इस्लामाबाद जा रहा हूं, पिशावर तैयार हो जाओ उधर भी आ रहा हूं, मर्दान आ रहा हूं, अटक का मेरा प्लान है, उस एबटाबाद, उसके बाद मुल्तान, एबटाबाद भी, फिर बावलपुर, फिर सरगोधा, बहुत जगह हैं इस बार क्या, जेलम, गुजरात, फैसलाबाद और गुजरावाला, और आखिर में क्वेटा, आपको भी नहीं मैं भूला, उधर भी आ रहा हूं मैं। मैं आवाम में निकल रहा हूं, मुझे लग रहा है मैं सारी अपनी आवाम को तैयार कर रहा हूं। हमारी हकीकी आजादी की जंग अपने आखिरी और फैसला कुन मरहले पे है। मेरी कौम तैयार हो जाओ। मैंने अपनी सारी पार्टी, उसकी सारी तंजीमें, सबको मैंने पैगाम पहुंचा दिया कि आप तैयारी करें। एक मैं टाइगर फोर्स बना रहा हूं नौजवानों का, और उसमें हमारी बेटियां होंगी, नौजवान होंगे, जिस तरह तहरीक पाकिस्तान में मेरी वालदा और उनकी जनरेशन ने, तहरीक पाकिस्तान में जिस तरह वो घर घर निकली, मैं आज अपनी सारी कौम को कह रहा हूं कि हमारी बेटियां, हमारे नौजवान तैयार हो जाओ, आपने घर घर जाना है, मेरी हकीकी आजादी का पैगाम घर घर लोगों के पास लेके जाना है, आपने लोगों को बताना है काम करने के लिए कि किसी चीज से आपने नहीं खौफजदा होना, ये आपको डराने की कोशिश करेंगे, लोग डरे हुए जिस तरह इन्होंने 25 मई को की, ये हर किस्म का खौफ आप में पैदा करेंगे। जब तक आपका कप्तान खौफजदा नहीं, तो आपको किसी से डर है? कप्तान टीम को लेकर चलता है, टीम हो तो फिर क्या डर है? तो फिर से आखिर में, अच्छा मैं पाकिस्तानियों सुनो आखिरी मेरी बात, हाँ आखिरी बात मेरी सुन लो तराने से पहले, क्या अभी बोलने दो, आखिरी बात क्या है यार? आपको मुझे ये बताएं, डीजल बार बार आपको क्यों याद आ जाता है? वैसे इन तीनों की जब शक्लें, नाम जब इन तीनों की शक्लें नजर आई साथ साथ, थ्री स्टूजेस की, जरदारी,
चेरी ब्लॉसम और डीजल। पब्लिक सुन ले सुन ले चार ये ऐसा कुछ एक चीज मैं चाहता हूँ आपसे चेरी कायदे आजम से जब किसी ने पूछा, कायदे आजम के बड़े बुरे दिन थे 1937 में, एक सीट जीते वो। स्पीच में बहुत देर बोला होगा वैसे तो इन्होंने, इसके बाद भी कुछ बोल रहे थे कि एक सीट मिली थी कायदे आजम को। तो वैसा स्पीच जो पहले की जो भी थी इसके अंदर हमने जो भी सुनी है, थोड़ी सी एंटरटेनमेंट भी था उसके अंदर, थोड़ी सी तंज भी थे दूसरे लोगों के लिए, चोरों के लिए ऐसे अनाउंसमेंट की है, अपने प्लान बताए हैं कि कहाँ कहाँ जल्द से फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ नहीं गए थे पहले वहाँ भी जाएंगे। और बहुत ही सही उसमें मतलब अंदाज में इन्होंने स्पीच दी है अपनी पूरी, और लास्ट में बोल रहे थे मतलब वो बताने आए थे पीछे से कि अभी कुछ और प्लान है करने का, तो बोल रहे थे नहीं मुझे बोलने दो अभी थोड़ा सा और बोलूँगा लास्ट टाइम। तो पब्लिक डिमांड करने लगती है, पब्लिक को एंटरटेनमेंट भी चाहिए होता है ना बीच बीच में कि यार उनके डीजल के बारे में बोलो, चेरी ब्लॉसम के बारे में बोलो, ऐसे करके कुछ मतलब जो थोड़े से तीखे चटपटे जो चुटकुले टाइप का होता है वैसा कुछ एंटरटेनमेंट भी चाहिए होता है। लेकिन पब्लिक निकली है पब्लिक, और इन्होंने एक फोर्स बनाई है, क्या बोला था, टाइगर फोर्स, जो घर घर जाएगी काम करेगी, लोगों को मतलब बताएगी, जो छुपे दबे डरे बैठे हुए हैं कुछ लोग होते हैं भाई, 100% तो नहीं निकलते हैं, 99% भी निकल आएंगे तो भी 1% तो कुछ ना कुछ तो रह जाती है पब्लिक कहीं ना कहीं, तो वो डरती है। तो उन लोगों के पास जाने के लिए इन्होंने एक फोर्स बनाई है कि वो जाएंगे और पैगाम लेकर जाएंगे कि आप निकलें और साथ दें, वोटिंग करें इस टाइप से। तो ये बहुत ही तगड़ी स्पीच थी, मतलब जोशीले अंदाज में कर रहे थे, जोश के साथ इमरान खान, मज़ा आया इसको देख के। कप्तान जब आगे चल रहा है तो टीम को पीछे डरने की क्या ज़रूरत है, ये भी सही बात है भाई, जब टीम के खिलाड़ी जब उनको भरोसा है अपने कप्तान पर तो है, आगे जाकर देखा जाएगा क्या होगा। कमेंट सेक्शन में बताओ कैसा लगा ये वीडियो, आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा, लाइक करना, शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।